फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सी शार्प के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या बनाना है या हमें क्या क्या चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर के लेआउट्स और डिज़ाइन तैयार करेंगे। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स और सारी चीज़ें बनाएंगे और फिर हम उसकी सी शार्प में कोडिंग करेंगे। तो अगर हम सी शार्प की बात करते हैं तो विजुअल सी शार्प के अंदर, विजुअल डॉट नेट के अंदर अपन विजुअल स्टूडियो जो हमारा है उसके अंदर अपन विंडोज़ एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें कंट्रोल्स लेने होते हैं। तो कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहला तो हमारा फॉर्म कंट्रोल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसके अंदर हम बाकी कंट्रोल्स डालेंगे, जैसे बटन कंट्रोल हो गया, बटन होता है सेव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या कुछ भी करने के लिए, चेकबॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन जो कि हम लोग लिस्ट दिखाने के काम में लेते हैं, डेट टाइम पिकर कैलेंडर के लिए हो गया, लेबल कुछ लिखा हुआ दिखाना हो, लिस्ट बॉक्स भी लिस्ट के जैसे आता है। ड्रॉप डाउन और लिस्ट बॉक्स में अंतर ये है कि ड्रॉप डाउन में एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। पैनल एक कंटेनर कंट्रोल है जिसके अंदर अपन दूसरे कंट्रोल्स को रख सकते हैं। पिक्चर बॉक्स हो गया पिक्चर दिखाने के लिए, फोटोज़ दिखाने के लिए। ग्रुप बॉक्स भी पैनल के जैसे कंटेनर कंट्रोल है, इसमें के अंदर भी अपन बाकी कंट्रोल्स को रख सकते हैं। रेडियो बटन हो गया, यस नो इनके लिए, टेक्स्ट बॉक्स हो गया टाइप करने के लिए, और डेटा ग्रिड भी हो गया, जो डेटा हम सेव करेंगे, जो डेटा सेव होगी डेटाबेस में जाएगा। हम डेटाबेस तो क्लाइंट को दिखाते नहीं हैं, तो जो डेटा सेव हुआ है वो क्लाइंट को दिखाने के लिए हम लोग डेटा ग्रिड भी यूज़ में लेते हैं। मान लीजिए कोई एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया, ऊपर अपन ने रजिस्ट्रेशन का डेटा डाला, तो डेटा जैसे डेटाबेस में सेव होगा वो इस नीचे ग्रिड में आ जाएगा। इसके बाद हुआ क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं या एसक्यूएल को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए आप मेरे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे कोडिंग। कोडिंग को समझने के लिए अपन साथ में विजुअल स्टूडियो भी ओपन करते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल, मैं यहाँ से फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने फ्रेमवर्क हमें ये लेना है, एक विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ले लेंगे अपन, और इसको मैंने ओके किया। इसको जैसे मैंने ओके किया तो ये देखिए ये एक मेरा फॉर्म आ गया, इस टूल बॉक्स के अंदर मेरे बाकी सारे कंट्रोल्स हैं। खैर अभी अपन बात कर रहे हैं फॉर्म कोडिंग की, तो हम जब भी इस फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो पीछे बैक एंड का हमारा पेज खुल जाएगा जहाँ हम कोडिंग कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस बेसिकली ये जो लाइब्रेरीज़ है, ये लाइब्रेरीज़ हमें फंक्शनलिटी देती है हमारे फॉर्म में उस चीज़ को करने की। तो अगर मैं बात करूँ हमारी स्लाइड की, यहाँ पे मैंने यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट लिया है। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट हम लोग लेते हैं डेटाबेस की फंक्शनलिटी को हमारे सॉफ्टवेयर में डालने के लिए। तो मैंने लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये मैंने एक नेम स्पेस, जैसे इस नेम स्पेस को हम यूज़ में लेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे ये एसक्यूएल कनेक्शन की क्लासेस है, ये जो ये चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगी। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखिए ये एरर दे देगा कि इसको नेम स्पेस नहीं मिला है इसका। तो एसक्यूएल की फंक्शनलिटी हमारे फॉर्म में लेने के लिए हमें इस नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपन ने सी में भी पढ़ा है, अपन उसमें लेते थे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो करते थे, वो सारी चीज़ें जो अपन ने सी सी प्लस प्लस में करी थी वही यहाँ पे भी है सेम। तो ये सबसे पहले नेम स्पेस हुआ। नेम स्पेस होने के बाद हमें मेन ये जो चार क्लासेस है हमारी, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, एसक्यूएल कमांड और डेटा सेट, ये चार के हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना दिया और डेटा सेट डीएस का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये चार मैंने क्लासेस के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए हमारे ग्लोबल हो गए। ये ग्लोबल इसलिए हो गया क्योंकि अपन ने इसको इस क्लास के अंदर लिया है, तो इस क्लास के अंदर ये कहीं पे भी यूज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने ये चार क्लासेस डिक्लेयर कर दी। अब चार क्लासेस डिक्लेयर करने के बाद हमें अब कोडिंग करनी है इनके अकॉर्डिंग।
सी शार्प के अंदर मेजरली चार इवेंट्स होते हैं, लोड इवेंट, बटन क्लिक इवेंट, सेल क्लिक इवेंट और सेलेक्टेड चेंज इवेंट। लोड इवेंट होता है, अगर आप देखेंगे जैसे ये हमने वहाँ डबल क्लिक किया था फॉर्म पे, ये फॉर्म लोड इवेंट आ गया था। फॉर्म लोड इवेंट का मतलब ये है कि फॉर्म जैसे ही खुलेगा आपको ये काम करना है। ज़्यादातर लोड इवेंट पे हम दो ही काम करते हैं, हमें कनेक्शन को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए अपन न्यू कीवर्ड का यूज लेते हैं। अपन ने ये ऑब्जेक्ट बनाया था कौन, कौन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और यहाँ पे हमने खोला। अब एक चीज़ आप ये देखिए, विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करना बहुत ईजी है क्योंकि ये खुद हमें सब कुछ बता देता है कि हमें क्या करना है। ये हमें बोल रहा है कि एसक्यूएल कनेक्शन दो तरह के पैरामीटर्स लेता है, एक तो आप लेंग बना सकते हो इस तरीके से, इसका मतलब है हमने इनिशियलाइज कर दिया पर अंदर कुछ भी पास नहीं करा। दूसरा है ये कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ पास करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हो गई, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई हमारा एसक्यूएल का कनेक्शन। अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमें एक घर बनाना है, जो घर हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। घर बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल कहाँ से आएगा, एक शॉप से आएगा, शॉप हो गई हमारा एसक्यूएल का डेटाबेस। तो उस शॉप से हमें मटेरियल लाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, इस शॉप का एड्रेस। वो शॉप का एड्रेस हो गया हमारा ये कौन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल की कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि उसका एड्रेस हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के लिए हमारे पास, अगर आप देखेंगे ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ लिख रखी है, डेटा सोर्स इक्वल्स टू जो भी आपका एसक्यूएल का जो का नाम है वो, इनिशियल कैटलॉग आपका डेटाबेस का नाम, यूज़र आईडी जो आपका एसक्यूएल का यूज़र नेम है और पासवर्ड जो आपका एसक्यूएल का पासवर्ड है। मैंने यहाँ पे ये पास किया डेटा सोर्स इक्वल्स टू, मैं मेरे एसक्यूएल का यूज़र नेम उठाता हूँ, ये जो मेरा आनंद पीसी है ये मेरा एसक्यूएल का यूज डेटा सोर्स हो गया। फिर था इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग हो गया मेरा डेटाबेस का नाम। तो हम एक डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस डीबी बैंक, मैंने एक डेटाबेस बना दिया, मैंने लिया डीबी बैंक और उसके बाद यूज़र आईडी था मेरा ऐसे और पासवर्ड जो मैंने दे रखा है वो मैंने ये दे रखा। तो ये हमारी होगी एसक्यूएल की कनेक्शन स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास आ गया कि हमारा एसक्यूएल का ये एड्रेस है, ये उसकी क्रेडेंशियल्स है, ये हमने कनेक्शन को इनिशियलाइज करने के काम में ले लिया। फिर इसके अलावा हम ज़्यादातर लोड इवेंट में क्या काम करते हैं, हमारे फॉर्म के अंदर नीचे ग्रिड होती है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो ग्रिड है या तो हम इसको फिल करने का काम करते हैं या ड्रॉप डाउन है ये फिल करने का काम करते हैं लोड इवेंट के अंदर। उसके लिए मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं एक ग्रिड ले लेता हूँ, मैंने एक कॉम्बो बॉक्स भी ले लिया और ये मैंने एक डेटा ग्रिड भी ले लिया। अभी मैं ये एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ आप, ये जब वीडियो हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम एक छोटा सा पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने इस डेटाबेस को यूज़ लेता हूँ, यूज डीबी बैंक, इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल डीबीएल डेटा, मैंने एक टेबल बना दी, इसके अंदर मैं देता हूँ ई नेम वेर के 30 और बी आई डी बिगिन आइडेंटिटी 1.1। ये मैंने बता दिया, ड्रॉप डाउन के अंदर हम नेम फिल करेंगे, इसमें इस टेबल से तो हम लोग ड्रॉप डाउन में नेम फिल करेंगे, इसमें मैं डेटा डाल देता हूँ इंसर्ट इनटू टीबीएन नेम वैल्यूज अच्छे, ये मैंने दो डेटा इसके अंदर डाल दिया
सॉरी ये टीबीएल हमने एक टेबल बना दी, नहीं अब हम बना रहे हैं एक दूसरी टेबल, क्रिएट टेबल टीबीएल डेटा आईडी बिगिन आइडेंटिटी 1.1 और इसके अंदर अपन कोई कॉलम ले लेते हैं एस नेम वेर के 30 और एफ नेम वेर के 30 और एज बिगिन, मैंने तीन कॉलम ले लिए सिर्फ इसके अंदर। तो ये हमने एक एक टेबल बना दी डेटा के लिए। अब इसमें भी हम मेनू डाल देते हैं इंसर्ट इनटू टीबीएल डेटा वैल्यूज, ये मैं एक काम करता हूँ इसके अपन तीन एंट्री बना लेते हैं आनंद एम पी सेठी एज 35 सपना विकास 25। इसके बाद मैंने लिया और अजय विजय 30, ये हमने तीन एंट्री हमारे इस सिस्टम में डाल दी। अब ये तीन एंट्री हमने सिस्टम में डाल दी है। अब इसके बाद ये हम वापस इस फॉर्म में आते हैं, हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग कर रखी है। अब हमें क्या करना है, वो जो ग्रिड हमने बनाई थी फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, यहाँ हमें क्वेरी, यहाँ हमने किया। अब ये जो कोड है ये हम एडाप्टर को फिल करने का कोड करेंगे। एडाप्टर को फिल करने से पहले हम फिर हमारे उस घर वाले एग्जांपल में आते हैं। हमने शॉप और घर के बीच का कनेक्शन बना दिया स्कूल कनेक्शन से। अब हमें उस शॉप से सामान लेके आना है और क्या सामान लेके आना है, ये दो चीज़ होती है। तो हम एक रिक्शे वाले को बोलेंगे भाई ये पर्ची है, ये सामान लेके तो फलाना दुकान में जा और वहाँ से सामान लिया। तो ये एस डी हमारा रिक्शा वाला हो गया, उसको मैंने इनिशियलाइज किया। यहाँ हम क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट नेम वाली टेबल थी मेरी, सेलेक्ट आई डी और बी नेम फ्रॉम टी बी एल नेम ऑर्डर बाई बी नेम मैंने किया, ये मेरी सामान की लिस्ट हो गई। इस रिक्शे वाले को बोला ये सामान लिया कहाँ से ला, यहाँ से ले गया, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था उसमें उसका एड्रेस है। तो अब रिक्शे वाले को हमने बता दिया कि भाई साहब हमें क्या करना और कहाँ से क्या लाना है। अब रिक्शा वाला वहाँ गया सामान लेके आ गया, अब क्या हम उस सामान को रिक्शे के अंदर तो रखेंगे नहीं, हमें उसको एक गोडाउन में रखना है। तो अगर अपन वापस फिर हम चले हमारे इस वीडियो पे, तो मैंने ये डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था। डेटा सेट है क्या बेसिकली, डेटा सेट एक डेटा टेबल है। डेटा सेट के अंदर टेबल्स होती है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं। तो एडाप्टर से जो हमने क्वेरी चला के डेटाबेस से डेटा लेके आए हैं वो हम लोग इस डेटा सेट को प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसे भी इनिशियलाइज करना होगा और एडाप्टर का एक मेथड होता है फिल। इस फिल के अंदर हमको उस गोडाउन का ऑब्जेक्ट बताना है जो हमने बता दिया। अब ये जो दूसरी चीज आप देख रहे हो डीएस, पहले तो हमने डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जब घर बनाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल आइटम भी होता है सैनिटरी आइटम भी होते हैं, अलग अलग आइटम होते हैं, हम सबको एक साथ तो रखेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस गोडाउन में अलग अलग कमरे बना सकते हैं। तो ये मैंने पहला कमरा बनाया डीएस डेटा। तो ये जो डेटा आया इस डेटा को मैंने इस डीएस डेटा वाली टेबल में डाल दिया जो कि डीएस नाम के गोडाउन के अंदर है। तो रिक्शे वाले से सामान अब हमने हमारे गोडाउन में रख लिया, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे, रिक्शे वाले से हमने सामान गोडाउन पे रख लिया। अब क्या करना है हमें, अब क्या, अब हमारे वर्कर को हम बोलेंगे कि भाई जा उस गोडाउन में अगर सामान है तो लेके आ और काम कर। तो हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं अब हमेशा, इफ़
ds dot table ds data dot rows dot count is greater than 0 है, अगर उसको down में data है तो आप फलाना काम करो। तो हमें क्या करना था, हमें drop down को fill करना था। तो मेरा combo box 1 था जो मैंने लिया था, और उसके अंदर display member मैंने दिया b name, combo box 1 dot वैल्यू मेंबर इक्वल्स टू आईडी, ये भी समझाऊंगा मैं आपको, और कॉम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डीएस डॉट टेबल डीएस डेटा, ये मैंने कोड कर दिया। ये जो कोड है ये कॉम्बो बॉक्स को फिल करने का कोड है। इसके अंदर तीन चीजें आती है, डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर और डेटा सोर्स। डेटा सोर्स तो ये हो गया कि भैया तेरे को डेटा यहाँ से लेना है, इस कमरे से तेरे को सामान लेना है। अब एक बार हम इसको चलाते हैं, ये मैंने चलाया, ये मेरा डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया जरा हम देखें, क्योंकि मैंने क्या गलती करी इसके अंदर, डी आई डी बी नेम फ्रॉम डी बी ले लिया मैंने, डी बी बैंक भी ले लिया, तो गलती तो मुझे इसके अंदर कहीं ऐसी दिखी नहीं। हम ब्रेक पॉइंट अप, ये जो चीज़ आप देख रहे हो मैं वापस बताता हूँ, अगर आपने सी शार्प के अंदर ब्रेक पॉइंट यूज़ करना सीख लिया तो आप कोडिंग आसानी से कर सकते हो। मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया, अब मैं इसको चला रहा हूँ। अब आप F10 या F11, F10 हर लाइन को चेक करता है, F11 अगर बीच में कोई फंक्शन है उसको स्किप कर देगा। तो मैंने F10 किया, मेरी पहली लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है इसमें। एस डी डॉट फिल किया मैंने डीएस, उसको नाम दिया, और फिर ये आगे नहीं गया मेरा, इसका मतलब है हमारी इस लाइन में कोई गड़बड़ है, इस लाइन में क्या गड़बड़ हो गई। हम इस क्वेरी को ओके, इस कॉलम का नाम इसके अंदर हमारे गलत था, मैंने यहाँ बीआईडी लिया था, ये मैंने बीआईडी कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं वापस से, मैंने देखा ये F10 ये गया इसके अंदर गया, अब ये फिर एरर देगा क्योंकि यहाँ पे बीआईडी है। मैंने इस बार ये देखिए, ये मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर अजय और आनंद आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने डिस्प्ले मेंबर के अंदर नेम लिया था, वैल्यू मेंबर में बीआईडी लिया था। ऐसा क्यों किया हमने, डिस्प्ले मेंबर तो होता है जो, मैं ये ब्रेक पॉइंट एक बार हटा देता हूँ, F5 दबाया मैंने, डिस्प्ले मेंबर तो होता है जो यूज़र को सामने दिखता है, वैल्यू मेंबर होता है जो पीछे बैकएंड में होता है, एक नाम के दो बंदे हो सकते हैं। हम लोग हमेशा काम आईडी से करते हैं, तो वैल्यू मेंबर के अंदर हम लोगों ने आईडी ली, हम जितनी कोडिंग करेंगे सब आईडी से करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स फिल करने का कोड करते हैं। इसी कोड को मैं एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूं। मैंने अब की बार जो क्वेरी लिखी वो लिखी SID S name, F name और age from TBL data order by S name। ये मैंने क्वेरी लिखी, देखिए सेम कोड क्वेरी है, बस क्वेरी चेंज है। वही डेटा पॉइंट्स को तो अपन ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज कर ही चुके हैं, एस डी डॉट फिल किया, इस बार मैंने उसी डेटा सेट के अंदर DS न्यू डेटा बना दिया, यानी उसी डेटाबेस में एक कमरा और बना दिया मैंने, और आप वर्कर को बोला कि भैया इस रूम से जाके जो सामान है वो अपन लेंगे, ये कोड हम यहाँ से चेंज करेंगे, जो अपने डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डी एस डॉट टेबल डी एस न्यू डेटा किया। हम चलाते हैं,
फिर से कोई गड़बड़ हो गई, एक बार हम फिर चेक करते हैं मैंने इस बार क्या गलती करी। फिर से वही सेम प्रॉब्लम, हमारी क्वेरी में अभी भी कुछ गलती है, तो हम इस क्वेरी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। मैंने ये कॉपी किया, या फिर इस बार ये SID था, कॉलम का नाम मैंने लिया SID, ये मैंने किया। अब ये देखिए इस मेरे ग्रिड में डेटा आ गया। तो बेसिकली ज़्यादातर लोड इवेंट में अपन ग्रिड या कॉम्बो बॉक्स को फिल करने का कोड करते हैं। अब C# के अंदर एक अच्छी चीज़ है ये लोड इवेंट में दो, अब हमें क्या है, हम जब सेव करेंगे उसके बाद भी हमको ग्रिड को वापस फिल कराना होगा, तो एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय C# ने हमें एक मेथड कंसेप्ट दिया हुआ है रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर क्या करता है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके ये ऑटोमेटिक आपके कोड का एक फंक्शन बना देता है, उस फंक्शन का नाम अपन ने यहाँ पे दे दिया। तो मैंने ग्रिड का बना दिया, उसी तरह एक मैंने ये किया फिल कॉम्बो, ये मैंने एक और कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टर को यूज ले देते हैं। तो ये था हमारा लोड इवेंट। लोड इवेंट के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारा बटन क्लिक इवेंट। बटन क्लिक का बेसिकली हम लोग यूज डेटा में, बटन क्लिक में डेटाबेस में डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करने में काम लेते हैं, या फिर हम सर्च करने काम लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिएगा SQL कमांड की मदद लेंगे हम। न्यू SQL कमांड का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर हम हमारी इंसर्ट अपडेट या डिलीट की क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू TBL डेटा। अभी मैं ऐसे ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, जब अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो अपन इसको प्रॉपर यूज लेंगे। और दूसरा वही कनेक्शन का ऑब्जेक्ट वही। अब ये काम ये हो गया, हमने डेटा हमने वहाँ भेजना है SQL में, तो मैंने ले लिया विकास विमल 20, ये मैंने क्वेरी लिखी। उसके बाद ये देखिए अपन, मैंने यू का न्यू कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी लिखी, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब CMD.execute नॉन क्वेरी करेंगे। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कमांड का वो मेथड है जिसकी मदद से ये डेटा डेटाबेस में जाता है, बट कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें हमेशा कनेक्शन को ओपन करना होगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा कनेक्शन पहले से भी ओपन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन ओपन करने से पहले इफ कनेक्शन डॉट स्टेट चेक कर लेते हैं डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू क्लोज्ड है तो ही आप ओपन करो उसको, ये हम लोग लिखते हैं। इससे हमें क्या एरर नहीं देगा, अगर कनेक्शन क्लोज है तो इसको ओपन करेगा, फिर एग्जीक्यूट नॉन करेगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। इस तरीके से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। अब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ इसको हमें कैसे पता चले, इसको पता करने के लिए हमारे पास जो अपन ने ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है, जब भी डेटाबेस में जाके इंसर्ट अपडेट या डिलीट करता है तो हमको नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड रिटर्न करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहीं पे मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैं इस लाइन को एक बार सेलेक्ट करके चलाता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ जो आ रहा है वन रोज अफेक्टेड, तो ये वन जो है ये वन हमको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रिटर्न करके देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल बना सकते हैं और जो भी हमने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करा है वो इसमें ले सकते हैं, और उसके बाद इफ फ्लैग इज ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब मैसेज बॉक्स डॉट शो लगाया, डेटा सेव सक्सेसफुली, ये हमारा
डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया, और इसके बाद हम लोग जो हमारा फिल ग्रिड वाला मेथड है उसको कॉल करा सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे चार एंट्री है, मैं ये बटन क्लिक करूँगा, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज आ गई, ये वाली यहाँ पे और एंट्रीज आ गई यहाँ पे हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बटन क्लिक इवेंट। बटन क्लिक इवेंट के बाद होता है नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट इवेंट सॉफ्टवेयर के अंदर है वो है सेल क्लिक इवेंट। सेल क्लिक इवेंट क्या हुआ? सेल क्लिक इवेंट हमारा क्या होता है कि हम इस सेल को मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो मेरा सेल क्लिक इवेंट है, मैं इस सेल पे जैसे क्लिक करूँ तो इसका डेटा हम एक में यहाँ पे मान लीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही इस सेल पे क्लिक करूँ तो ये विकास उठ के मेरे इस बॉक्स के अंदर आ जाए। हमें ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसमें जाएंगे अपन, ये जो अपने देख रहे थंडर साइन ये इवेंट्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ से हम सेल क्लिक लेंगे, ये डेटा ग्रिड व्यू डॉट सेल क्लिक इवेंट आ गया। अब यूज़र ने किस सेल पे क्लिक किया ये तो हमें पता होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इफ़ ई डॉट रो इंडेक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन है। ई डॉट रो इंडेक्स ग्रेटर देन माइनस वन का मतलब ये है कि यूज़र ने इन पांचों पे क्लिक करा है, ये हेडर में या इनमें किसी में क्लिक नहीं करा है, हेडर में क्लिक नहीं करा है, ये लगाने के लिए हम लोग ई डॉट रो इंडेक्स करते हैं। अब उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट रोज ई डॉट रो इंडेक्स जिस रो पे उसने क्लिक किया है डॉट सेल, सेल का जो भी हमारा नाम था डॉट वैल्यू, सेल का नाम हमारा था एस ने, ये एस ने मैंने यहाँ पे पास कर दिया। हम इसको चलाएं डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज और डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग हमें लगाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग के अंदर। अब ये मैंने क्लिक किया, ये विकास, ये सपना, ये देखिए ये सारे मेरा डेटा इसके अंदर आ गया। तो इस पे अपन क्लिक सेल क्लिक के थ्रू हम डेटा हमारे ऊपर भेज सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डेटा ग्रिड व्यू के अंदर सेल क्लिक इवेंट का, सेल क्लिक इवेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है वो है कॉम्बो बॉक्स सेलेक्टेड चेंज इवेंट। कॉम्बो बॉक्स सेलेक्टेड चेंज इवेंट का मतलब ये हो गया कि मैं कॉम्बो बॉक्स में कुछ भी सेलेक्ट करूँ उसके सेलेक्ट करने पे कुछ हो जाए। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ने कॉम्बो बॉक्स पे जो भी मैंने सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू मेरी टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, तो ये मैंने दे दिया डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, मान लीजिए ये मैंने किया। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, मैंने आनंद सेलेक्ट किया मेरे आनंद इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, मैंने अजय सेलेक्ट किया तो अजय मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। तो ये बेसिकली ये हमारे चार इवेंट्स हैं जो हमें मेन काम आते हैं सॉफ्टवेयर में, इन्हीं इवेंट्स की मदद से हम ऑलमोस्ट पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। अब इस पूरे सॉफ्टवेयर को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में दो तीन वीडियो जो हम बनाएंगे, हम एक बैंक मैनेजमेंट का छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म होगा, एक मास्टर पेज होगा जिसमें मेन्यूज होंगे, जिसके अंदर अकाउंट टाइप मास्टर, न्यू अकाउंट मास्टर, बैंक ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट्स होंगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम पूरा सी शार्प का एक सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। बेसिक्स मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं, तो जब अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें